सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, साकेत मुक्ति आंदोलन उत्तर प्रदेश भारत। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब से विरासत की लड़ाई भारत में शुरू हुई, पूरे देश भारत के बौद्ध अम्बेडकरवादी सामाजिक लोग अपने हकों की रक्षा के लिए आगे आए और उन्होंने धरना प्रदर्शन के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से, ज्ञापन देने के माध्यम से संघर्ष किया। हम लोग इतना ही नहीं रुके, हम लोग भारतीय संविधान का जो तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका, उसके तहत हम लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में हमें डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। आज की वो तिथि है, आज सुप्रीम कोर्ट में दो दो याचिकाएं हमारी सुनवाई पर लगी थी। डॉक्टर अंबेडकर बोधिकुंज फाउंडेशन मुंगेर बिहार, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र बिहार, ये सारी याचिकाएं आज सुनवाई पर लगी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुना और सुनने के बाद सभी याचिकाकर्ताओं को बहुत लताड़ा, कहा कि जब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट कर चुका है तो उसी मसले पर आप दोबारा याचिकाएं क्यों लगा रहे हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री को कोटेड करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते रहते हैं कि देश भारत को कमजोर करने के लिए, राम मंदिर ना बनने के लिए जिस तरह से विदेशी फंडिंग हो रही है, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये लोग भी विदेशी फंडिंग जुटा रहे हैं, इसलिए बार बार याचिकाएं कर रहे हैं। हमारे दोनों याचिकाकर्ताओं को बहुत फटकारा और बहुत उनको बुरा भला कहा। सुप्रीम कोर्ट यहीं तक नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के खिलाफ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और CBI जांच कराने की मांग की, पता किया जाए कि लोगों को विदेशी फंड कितना मिला है। विचार करिए भारत के लोगों, भारत के समतावादी, मानवतावादी, बुद्धवादी, अंबेडकरवादी विचार करिए कि भारतीय संविधान का तीसरा स्तंभ होता है न्यायपालिका, और न्यायपालिका एविडेंस नहीं देख रहा है, अवशेष नहीं देख रहा है, कार्बन रेटिंग नहीं करा रहा है, हिस्ट्री का कोई ज्ञान नहीं उसे, साहित्य नहीं पढ़ रहा है और मनमाने तरीके से हम लोगों के हकों को, हमारे अधिकारों को, हमारे मान सम्मान को कुचल रहा है। मुझे अब हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं रहा। मैं भारत के बौद्धों से, मानवतावादी लोगों से, विज्ञानवादी लोगों से, तर्कवादी लोगों से आह्वान करता हूं कि अब आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चक्कर में ना पड़े, आप सीधे जनता की अदालत में पहुंचे और जनता की अदालत ही इनकी इनकी मति को ठिकाने लगा सकती है। हम सब लोग आहत हैं, बहुत दुखी हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हम बौद्धों की कोई नहीं सुनी, एक भी नहीं मानी। हम लोग बहुत आहत हैं। अब हम लोग निराश नहीं होंगे, हम लोग हिम्मत नहीं खोएंगे, हम लोग अपनी आशा नहीं खोएंगे, हम संविधान के दायरे में इसका विरोध करते रहेंगे। जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा, हम लोगों का नाम कायरों में नहीं, हम लोगों का बहादुरों में लिखा जाएगा। इस आंदोलन में जितने भी लोग सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक लोग इस आंदोलन का साथ दे रहे हैं, मैं सभी लोगों के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग हमारे आह्वान पर हमारे साथ लगे रहते हैं। आज बहुत बुरी खबर है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया है कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ी, आप सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के खिलाफ चले आए। इससे बुरा दिन कुछ नहीं हो सकता है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही है, देश तानाशाही और लोकतंत्र की खिलाफत के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे बहुत दुख है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे और हम अपने अधिकारों के लिए, अपनी विरासत के लिए संघर्ष करते रहेंगे और देश भारत के हक वंचित लोगों को जगाते रहेंगे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय संविधान। जय श्रमण भारत।